दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रावण के बारे में ऐसी रहस्य जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों एक ऐसी गुफा है जिसमें रावण का शव आज भी रखा गया है। दोस्तों इसके पीछे रहस्य क्या है आगे वीडियो में जानेंगे। नहीं किया गया था अंतिम संस्कार। दोस्तों आज रावण के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे जानने के बाद आपका होश जरूर उड़ जाएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे क्या रावण जिंदा है, क्या उसका शव है, क्या शरीर लंका में रावण का ताबूज आज भी है या नहीं है। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी जरूर देंगे। दोस्तों रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है कि आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद है जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाई बयां करते हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है जिसे विजय दशमी कहते हैं। मान्यता है कि दशमी के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। दोस्तों एक रिसर्च में दावा किया गया है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है। इस रिसर्च के मुताबिक एक पहाड़ी में बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। यह गुफा श्रीलंका के रेगला के घने जंगलों में स्थित है। बताया जाता है कि भगवान श्री राम के हाथों रावण के वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। दोस्तों जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है वह रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसे का वैसा ही दिखता है। दोस्तों यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है। इस खजाने की रखवाली एक दोस्तों मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राज गद्दी संभालने की जल्दबाजी में रावण का अंतिम संस्कार नहीं किया और शव को वैसे ही छोड़ दिया। दोस्तों कहा जाता है कि इसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ लेकर चले क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर जिंदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रावण के शव को ममी बना दिया ताकि सालों तक सुरक्षित रहे। दोस्तों एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान के पैरों के निशान भी खोजने का दावा किया गया है, लेकिन इन सभी चीजों की प्रमाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई है। दोस्तों यही था रामायण के रावण के बारे में रहस्य। हमेशा रहस्य भरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।